हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा चैनल आगरा वालों की रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट। स्वीट मतलब वो स्वीट नहीं, मीठा वाला स्वीट है, स्वीट कॉर्न। और आइए दिखाएंगे इसमें क्या क्या लगेगा। और मॉल में जाके आप खाते हो महंगे महंगे जो कफ खाते हो, आज घर पे बना के दिखाएंगे बहुत ही इजी तरीका से और बहुत ही मतलब सिंपल तरीका से, बहुत ही टेस्टी मतलब बनेंगे ये। दिखाते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। ये स्वीट कॉर्न है हमारे पास, हम दो लोगों को यह बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से, अगर तुम मतलब पहले ही कितने लोगों का बना रहे हो उतने भाई हिसाब से आप ले लेना जी। और इसमें क्या क्या, हम दो तरह के बनाएंगे, आप ये दिखाते कैसे। ये है अमूल मक्खन, मक्खन ले रखा है। और ये है चीज, दो तरह के बनाएंगे, चीज वाले और अमूल मक्खन वाले दोनों। और इसमें क्या क्या डलेगा, इसमें है जी आधी शिमला मिर्च और एक छोटी सी प्याज, और ये है टमाटर, और ये है एक हरी मिर्च, और ये है धनिया। मसाले क्या पड़ेगा, ज्यादा मसाले नहीं है इसमें। यह चाट मसाला जो मैंने घर पे ही बनाया था, वीडियो आप मेरी देख लेना चाट मसाले की। यह चाट मसाला घर वाला, और यह है एक चम्मच काली मिर्च पीस के रखी है अभी मैंने, और यह है एक नींबू का रस, और यह है काला नमक, और यह है वाइट नमक घर वाला, और यह है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर आ जाएगा स्वीट कॉर्न में बढ़िया, ज्यादा तीखा हमारा थोड़ा इससे हो जाएगा चाट मसाले से। आइए दिखाते हैं आपको पहला स्टेप। मैंने 2 कप ले रखे हैं, 3 कप मैंने पानी मतलब डाल दिया है फ्राई पैन में। पानी उबालने पहले ही रख दिया, टाइम कम लगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक, और इनको 5 मिनट बॉईल कर लेंगे हम। 5 मिनट में जो बॉईल हो जाएंगे आराम से, और दिखा देंगे आपको 5 मिनट के बाद। ये हमारे बॉईल हो चुके हैं जी, आराम से टूट रहे हैं जी, देख लें चेक करके। इनको गैस बंद करके इनको छन्नी में निकाल देंगे हम, ऐसे निकाल हैं। तीसरा स्टेप हमारे ये मतलब निकाल के रख दिए, अब करते हैं फ्राई। इसको करेंगे मक्खन में, मक्खन के ही अच्छे लगते हैं जी। आपने मॉल में खाए होंगे, वो भी मक्खन डालते हैं इसमें। ये डाल दिया अमूल मक्खन मैंने, मक्खन डाल दिया इसमें, मक्खन डाले इसमें, घी भी नहीं डाले, मक्खन में डाले। और ये हमने सब्जी रख रखी है काट के, इसमें डाल देंगे प्याज, एक हरी मिर्च, और जी थोड़ी सी शिमला मिर्च, ज्यादा नहीं डालना है इसमें, और थोड़े से हैं जी टमाटर। ज्यादा इनको हमें पकाना नहीं है सब्जी को, बस ऐसे ही मिला दें इसमें। डाल देंगे स्वीट कॉर्न, बहुत अच्छे बनेंगे ये। और इसमें डाल देंगे जी काली मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, जो घर वाला चाट मसाला है जो हमने बनाया था, चाट मसाला। और ये है थोड़ा सा काला नमक, आधी चम्मच से भी कम है। और नमक देख के डाले हमने जब वॉल कर रहे थे, जब भी थोड़ा सा नमक डाल रखा था इसमें, नमक ज्यादा नहीं डाले आप, 1 चुटकी जो वाइट नमक, बस इसी को डाल के ऐसे चला देंगे हम। और डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 चम्मच, तीखी नहीं होती है ये लाल मिर्च, बिल्कुल मॉल जैसे लगेंगे, मॉल में हम लोग खाते हैं जाके कभी, मक्खन डाल के। और इसमें डाल देंगे, निकाल दिए ये बाहर, और आधे में डाल देंगे चीज। मैंने चीज पहले दाम डाल दिए, चीज चीज वाले पसंद हो चीज वाले खा लें। कर देंगे गैस बंद। इनको कर लेंगे सर इसमें गिलास में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक बार बना के जरूर खाएं। ये हैं चीज वाले, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, इसमें चीज पड़ी हुई है भर के। और ये है अमूल मक्खन के, वैसे ये मेरे लिए बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी वाले बनेंगे जो आप बनाओगे घर पे। भाई स्वीट कॉर्न बनके हैं तैयार, आप एक बार जरूर बना के खाएं, कमेंट करके बताएं मेरे स्वीट कॉर्न कैसे बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।